नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सत्यजीत पाध्ये। और मैं हूं छोटू सिंह। गले गले। अरे छोटू सिंह, तुम स्कूल में वगैरह जाते हो कि नहीं? ऑनलाइन स्कूल में जाता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें जाना है ऑनलाइन स्कूल में? हाँ हाँ हाँ। तो देखो, हमारी ऑनलाइन स्कूल ऐसे होती है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। ओए गुड मॉर्निंग। सभी ने होमवर्क किया है क्या? होमवर्क? हाँ, होमवर्क किया। हाँ किया। ओ यस मिस, मैंने होमवर्क किया। मेरा मतलब थोड़ा सा होमवर्क बचा है, लेकिन मैं आज जरूर करूंगी। ओके ओके, जिसने होमवर्क नहीं किया है वो मुझे कल होमवर्क करके बताएगा। ओके तो बच्चों, आज हम रोड सुरक्षा अभियान के बारे में बात करने वाले हैं। तो ट्रैफिक रूल्स और रोड सुरक्षा के बारे में मुझे कौन कौन बताएगा? राधा तुम बताओ। तुम मैम, हमारे यहाँ स्कूटी चलाते वक्त हेलमेट और सुबह ब्रेकफास्ट में ऑमलेट कंपलसरी होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने राधा, हेलमेट हमेशा यूज करना चाहिए। ओए मैं ना कभी कभी पैन का बेल्ट भूल जाता हूँ, लेकिन कार का सीट बेल्ट कभी यानी कभी नहीं भूलता। बल्ले बल्ले। टीचर, मैं ना हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से ही रोड क्रॉस करता हूँ। अगर आपको कुछ शक है तो जू में जाके जेब्रा से पूछो। टीचर, मेरे डैडी हमेशा ग्रीन सिग्नल पे ही गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अगर लाल सिग्नल पे आगे गाड़ी बढ़ाई तो मेरे मम्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, सिग्नल के नियम हम सभी ने फॉलो करने चाहिए। मेरे पिताजी ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल और अपना मुंह दोनों बंद रखते हैं। बिल्कुल सही, ड्राइविंग करते वक्त अपना मोबाइल हमेशा यूज करना ही नहीं चाहिए। मिस, हम हमेशा लेन की डिसिप्लिन और सभी ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। लेन की डिसिप्लिन बहुत जरूरी होती है, उससे एक्सीडेंट्स कभी नहीं होते। मैडम, मेरे पिताजी दारू पी के कभी नहीं ड्राइव करते। डैडी और मम्मी दूसरों की तरह ट्रैफिक में पॉ पॉ बिल्कुल नहीं करते। हाँ, अगर सभी ने ट्रैफिक में हॉर्न बजा के शोर मचाया तो नॉइज पोल्यूशन कितना बढ़ सकता है, सोचो बच्चों। मिस, जिस तरह से हम हैंड सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो करते हैं, उसी तरह से हमने ट्रैफिक रूल्स के भी नियम फॉलो करने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। टीचर, मुझे एक सवाल है, आज हम रोड सुरक्षा अभियान के बारे में क्यों जानकारी ले रहे हैं? आप जैसे बहुत बच्चों के पेरेंट्स रोड एक्सीडेंट्स में गुजर गए हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने माँ बाप को बोलो कि रोड के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। यस टीचर। यस टीचर। यस टीचर। हाँ, मेरे पिताजी जब घर से दूर जाते हैं ना, तब मैं उनकी घर आने तो बहुत राह देखता हूँ, इसलिए डैडी प्लीज ड्राइव सेफली। बच्चों, नीचे दिए हुए लिंक पर आपका फीडबैक जरूर भेजिए। नमस्कार, मी तात्या विंसू। आमचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका, आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा। करणार ना? नाहीतर करून टाकीन। ओम फॅक्स वहा।